दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बेचने का काम किया, बिजली पानी फ्री कर दिया तो विकास कैसे होगा। तो बीजेपी की हार पर कहा कि जो भी जनादेश है वो स्वीकार है। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर बोले कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गलत दिशा में जा रही है, ऐसे में हालत हरियाणा में कुमारी सैलजा के नेतृत्व में ही हो रहे हैं। के चलता हूँ कि बिल्कुल स्टेट को बेचने का काम हो रहा है। आप अगर आप देखिए, आपको फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखनी चाहिए कि हम ये पैसा लोगों के लिए उनके उत्थान के लिए लगाएं, विकास के लिए लगाएं। अगर पैसे सब कह दें बिजली सस्ती सबको सस्ता, टैक्स भी नहीं लगेंगे तो सरकार कहाँ से चलेगी। इतने बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, इतने खर्चे हो रहे हैं, वो कहाँ से निकलेंगे। लोगों की समझ को हम चैलेंज नहीं कर सकते। इवन मोदी जी ने भी स्वागत करा, हर आदमी ने स्वागत करा कि जनता का जनादेश है, उसे तो हर कोई स्वागत करता है। पर हमें देखना चाहिए, हमें एक बड़ा डिसिप्लिन में होके रिस्पॉन्सिबल होके अपनी जिम्मेदारियां आगे बढ़ानी चाहिए। क्योंकि राहुल जी का लगने ठीक नहीं, उन्हें कोई भी मान नहीं रहा, वो जब से बने तब से पार्टी नीचे जाती जा रही है। यही हालत हरियाणा में सैलजा के बनने से ठीक है।